हेलो फूडीज़, वेलकम टू मोना एजी फूड मैजिक। आप भी क्या अगर मैक्रोनी पास्ता की वीडियो देख रहे हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं। इसमें मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया है। नवरात्रे चल रहे थे और बच्चों को पास्ता खाना था, तो मैंने सोचा कि विदाउट प्याज भी इतने अच्छे पास्ता रेडी कैसे होंगे। तो मैंने एक ट्रिक्स लगाई, तो इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए, काजू और शिमला मिर्च, टमाटर, इन सब का पेस्ट बनाकर इनको मैंने तेल में अच्छे से भून लिया, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। प्लीज़ आप ऐसे ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और सबको बहुत ही पसंद आएंगे। बच्चों को स्पेशली बहुत ही पसंद आए। जो मेरे पास घर में इंग्रेडिएंट्स थे, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से मैंने इनको रेडी किया है और ये खाने में डिलीशियस बने थे और बच्चे तो बिल्कुल ही इसके फ़ैन हो गए इस पास्ता का। इसके अंदर मैंने एक चम्मच मलाई को ऐड किया, जो हम रेगुलर दूध से निकालते हैं वहीं वाले। आप इसमें एक या दो चम्मच अमूल क्रीम आती है वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेस्ट मेकर ऐड किया है, जिससे इससे फ्लेवर अच्छा था। टेस्ट मेकर आपके पास जो भी घर में अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हैं। ये मैंने घर पे बनाया था टेस्ट मेकर, वो वाला ऐड किया है और इसकी रेसिपी भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे मैंने बनाई हुई है इसकी वीडियो, तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। और मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो वगैरह भी ऐड कर दिए हैं, जिससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने साइड में पास्ता को बॉइल कर रखे थे ऑलरेडी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया और इनमें को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर कुछ भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मैंने मलाई का यूज इसलिए किया है क्योंकि हम इसके अंदर शिमला मिर्च का पेस्ट डालते हैं। काफ़ी बार बच्चे शिमला मिर्च नहीं खाते हैं, तो मलाई डालने से ये शिमला मिर्च को कवर कर लेता है, इसकी स्मेल इतनी वो नहीं आती शिमला मिर्च की। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, आपको बच्चों को बहुत ही डिलीशियस लगेगी। ट्राई तो करना बनता ही है। और ये रेडी हो चुकी हैं जस्ट इन 5 मिनट्स। चलो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहें मेरे साथ मोना एजी फूड मैजिक। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।